वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं जा रही हूँ नीचे मार्केट में, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। तो सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, नीचे जाती हूँ। मैं मुंबई जाने वाली हूँ तो मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो सोचे नीचे जाके देख लेते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो ले लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चल सकते निकली हूँ, फिर चलते चलते नीचे चली जाऊँगी क्योंकि अभी यहाँ से रिक्शा से नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बाज़ार में ही जाना है। तो यहाँ से जाकेट के पास ही रहती हूँ तो मुझे आसान गिरता है थोड़ा बहुत कुछ सामान लाने के लिए, मुझे ज़रा नज़दीक गिरता है। तो मैं अभी चलती हूँ, मुझे पसंद नहीं आया तो अभी मैं ये वाले देख रही हूँ। ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, शायद एकदम बेस्ट है, सब बोल रहे हैं शायद अच्छी होंगे। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है चप्पल वगैरह के। आ गई हूँ घर पे आके, अभी मेरे को टाइम हो क्योंकि सानिया दीदी है ना तो बीबी उठी थी तो मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ा। तो थोड़ा घाई गड़बड़ में मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे जो मिला मैं लिखे ही हूँ, मैं ब्लॉग भी नहीं की क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी घर पर आना था। तो मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या लिया है। शूज़ टाइप मुझे बहुत अच्छे लगे, ये नए पैटर्न में इनके यहाँ पे आए। उनके यहाँ पे माशाल्लाह कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, मैं हमेशा उनके पास से ही लेती हूँ। तो शूज़ लिए पहनने के लिए, अच्छे लग रहे हैं और सॉफ्ट भी है बहुत, तो बहुत अच्छा लगा मुझे लेने के लिए। अच्छा लग रहा है ना, क्यूट लग रहा है बहुत, क्योंकि मेरे पास ऐसे पर्स है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ना ऐसा है कि मैं एक लेती हूँ और वही चला लेती हूँ, मतलब चलता है जब तक चलता है तब तक चलाओ तो मैं लेती हूँ। तो मुझे ये वाला पर्स ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसे बहुत फैंसी वैसी पर्सेस रहते हैं लेकिन मैं ऐसे ज़्यादा ये नहीं करती हूँ, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा। क्यूट है, बॉम्बे में तो मिलेगा मेरे को लेने के लिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा अभी जा रही हूँ तो यहाँ से भी कुछ लेते जा रही क्योंकि हमारा लड़कियों की आदत होती है अरक नाखूनों को लगाने के लिए। और मैं अरक कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं हलीमा का जो फेमस हलीमा मेहंदी पोल्स जो है ना उनके पास से लेती हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं उनके पास, मतलब मैं हमेशा उनके पास से ही लेना प्रीफर करने के बाद उसको कलर बहुत अच्छा चला था तो मैंने वो ले लिया। फिर आज चली आई घर, हो गया मैं इतना ही ले ली मैंने। तो अभी मुझे गर्मी है, रात के खाने की तैयारी, तो मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव, इसकी रेसिपी डालने वाली हूँ। तो आप लोग की वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना कि मैं कैसे बना रही हूँ। ऐसा है तो मैं रेसिपीज डालते रहती हूँ लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये सब है ना मतलब व्लॉग करते करते ही डालूंगी व्लॉग में क्योंकि इंस्टेंट बना, कटिंग वगैरह तो करनी पड़ेगी ना, तो मैंने वो कटिंग वगैरह करनी है मुझे, वो मैं बताऊंगी। तो अभी आप लोग ये वीडियो देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ वेज पुलाव, ज़्यादा नहीं ऐसे इंस्टेंट बना रही हूँ फटाफट। तो मैं ये जो है ना जो रात अभी बर्तन धुले वो सब नीचे लगा दी थी वहाँ पर नीचे। सारी वेजीज वगैरह कट करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। काट के रखा है मैंने टमाटर काटा है और यहाँ पे वेजीज लिए है मैंने, आलू और गाजर और फ्लावर लिए है मैंने। आप अपनी चॉइस के भी वेजीज ले सकते हो, आपकी आपकी चॉइस पर ही लेना, मैंने ये सिर्फ अपने इस पे लिया है। अगर आप दूसरे वेजीज भी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें ऐड किया देना जीरा और फिर उसमें सारे गर्म मसाले ऐड कर देना जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी और फिर उसमें ऐड करना रेड चिली और फिर उसमें डालना प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना, एकदम अच्छे से सॉफ्ट होने देना है। फिर उसके बाद उसमें टोमेटो ऐड करके उसको थोड़ा 2 मिनट सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद उसमें ऐड करना है ग्रीन चिली, ये वो ऐड करनी है और फिर उसको अच्छे से 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने दे। फिर उसके बाद उसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से उसकी स्मेल जानी चाहिए पेस्ट की। फिर उसमें सारे वेजीज ऐड करना, वेजीज को अच्छे से प्याज में भून लेना और फिर सारे मसाले ऐड करने ना, हल्दी, कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, फिर उसमें ऐड करना है गरम मसाला और धनिया पाउडर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे और एक चीज़ ऐड की है, वो है टेस्ट के लिए पाव भाजी मसाला मैंने ऐड किया है, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव को।
ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना तो नहीं डाल सकते। फिर मैंने उसमें ऐड किया नमक और वेजेस को अच्छे से मसाले के में भूनने के लिए रख दिया। साइड बाय साइड मैंने सारे चावल धोकर भीगने के लिए रख दिए और फिर मैंने उस वेजेस में एक ग्लास पानी ऐड करके उसको पकने के लिए रख दिया। वेजेस 50% कुक होने चाहिए तभी आप उसके अंदर चावल डालना। फिर मैंने उसमें चावल डालकर उसको बॉयल आने के लिए रख दिया और तब तक मैंने साइड बाय साइड कचुंबर की तैयारी की। इसके साथ दही का कचुंबर है वो अच्छा लगता है। फिर मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर कट करके डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दिया, क्योंकि ये जब अच्छे से दम पे आएगी तो ये अच्छे से कुक हो सकता है, जो चावल है अच्छे से पकना चाहिए। फिर मैंने पापड़ तले, क्योंकि हम कुक नहीं है तो हमें पापड़ लगता ही है बिरयानी पुलाव वगैरह के साथ में। पुलाव फिर दम पे चढ़ा दिया। ऐसा नहीं कि तुम लोग खाना खाने बैठेंगे, तब तक मेरा ये ब्लॉग पूरा देखना, और अगला ब्लॉग अगर मैं बनाऊंगी तो ज़रूर आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।